बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर प्रेटी वेल एंड एंजॉय योर टाइम। व्यूअर्स, माय लास्ट वीडियो फॉर बेसिक इंग्लिश लर्नर्स वाज ऑन वर्ब। माय टुडे वीडियो इज आल्सो ऑन वर्ब फॉर बेसिक इंग्लिश लर्नर्स। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो जो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए थी वो वर्ब के ऊपर थी, जिसमें एक्शन वर्ब और उसकी टाइप्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज की वीडियो भी ये बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए है और ये भी वर्ब के ऊपर है। इसमें वर्ब की फॉर्म, स्टेट ऑफ बीइंग, उसके बारे में बातचीत होगी और देखते हैं कि ये वर्ब जो है स्टेट ऑफ बीइंग, इसको हम कैसे यूज करते हैं या इसके और कौन से यूजेज हो सकते हैं किसी सेंटेंस में और उसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। लेट अस हैव अ व्यू डिफरेंट टाइप्स I am going to discuss with you. First one is state of being. What is state of being? Be verb की जो form है इसको हम state of being के तौर पर use करते हैं। Is, are या am, इसमें से कोई form हम इसकी use करते हैं, depend करता है कि कौन सा subject आप use करते हैं। ये present में हम इनको use करते हैं, was और were जो है ये पास्ट में हम इनको यूज करते हैं। ये तमाम वर्ब जो है ये अपने सब्जेक्ट की स्टेट को बताते हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो कौन है या कैसा है। ही इज अ गुड टीचर, यहां पे इस जो है वर्ब हमने यूज किया और ये अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कौन है। इज और एम ये प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या हम यूज कर रहे हैं, और वाज पास्ट में। अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं तो ही वाज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर था। अब इनका दूसरा इस्तेमाल है एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, देखें कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। He is teaching. यहां पे हम यही वर्ब यूज किया, लेकिन इसके आगे देखें तो हम एक्शन वर्ब भी यूज कर रहे हैं और इस एक्शन वर्ब को ये हेल्प कर रहा है, इसके साथ यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहां पे कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही, ये अपने सब्जेक्ट की स्टेट को जाहिर कर रहा है। यहां पे एक्शन वर्ब भी है, एक्टिविटी भी शो हो रही है और ये इसको हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है और ये सारे वर्ब को हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। ये सारे के सारे वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं। यहाँ पे ये खुद वर्ब है, यहाँ पे और कोई एक्शन वर्ब आगे नहीं यूज किया जा रहा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है और इसके आगे एक्शन वर्ब है। इसके अलावा हम डू, डज, has, have, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि आप टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट में हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट में। इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो डिड है, इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो हैड है। तो डू, डज, हैज, हैव, हैड या डिड जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ये हम नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को या इंटरोगेटिव बनाने के लिए या पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज करते हैं। आगे देखें लिंकिंग वर्ब, व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, ये सारे के सारे जो वर्ब है स्टेट ऑफ बीइंग के, जा रहे हैं वाज वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब इनको कहा जाता है। देखें कैसे, They are players. यहां पर देखें are यूज हो रहा है और ये लिंक कर रहा है अपने सब्जेक्ट को किसी और नाउन के साथ। तो ये तमाम के तमाम वर्ब जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ये अपने सब्जेक्ट को लिंक करते हैं किसी और वर्ड के साथ, वो वर्ड नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकती है, तब इनका मीनिंग जो है वो कंप्लीट होता है, कंसेप्ट कंप्लीट होता है कि वो कौन है।
और इन वर्ब को हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएं तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। दे आर कौन है, प्लेयर्स, अब क्लियर हुआ। तो ये लिंक करते हैं एनदर नाउन को या एडजेक्टिव को अपने सब्जेक्ट के साथ और फिर इनका मीनिंग कंप्लीट होता है। तो इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हम इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इनके अलावा और लिंकिंग वर्ब भी हैं, सीम, पियर, लुक, फील, टेस्ट, ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं। ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। देखें ये भी अपने वर्ब सब्जेक्ट को उसके साथ लिंक कर रहा है, तब इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट होता है। This fruit tastes good, तो ये सारे linking verb हैं। तो इनको हम linking verb से कहते हैं क्योंकि ये link करते हैं अपने subject को किसी और word के साथ, तब उनका meaning complete होता है। और इन word को जो अपने subject को जो subject को complete कर रहे हैं इनको subject complement कहते हैं, क्योंकि ये subject को complete कर रहे हैं। Students, I hope this video will be very useful for you. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it so that you have my new upcoming video on time. Remember to press bell icon so that you have notification of my new upcoming videos. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.